अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, वेलकम बैक अवर न्यू यूट्यूब व्लॉग। आप देख रहे होंगे मैं इतने दिनों बाद आज व्लॉग बना रहा हूँ। उसकी वजह ये है कि मैं जाता रहा हूँ काम पे, शॉप पे जा रहा हूँ। मैं बताया था आपको, मैंने बायकॉट कर दिया था स्टूडियो से, तो उसके बाद मैं जा रहा हूँ अभी मोबाइल वाली शॉप पे। इस वजह से मैं रेगुलर नहीं बना रहा व्लॉग। और अभी आप लोग देख रहे होंगे मैं कोई कौन सी नई जगह पर आया हूँ। ये मैं जहाँ पहले आया था ना, वो सेंचुरी ऑफ क्रिसमस, मतलब सैयद के कब्रिस्तान वाली जगह पे मेरा फूफा का घर है, वो उधर मैं वहाँ पे आया हूँ। शादी है एक, मैं कल आया हूँ, आज अभी हम देख रहे होंगे मैं पैदल क्यों जा रहा हूँ। मेरी उसकी वजह बनी है ये बाइक मारा हो गया पंचर। अभी हम लगवाने जा रहे हैं सीधा रोड पे, वो सामने रोड है, उसके बाद फिर देखते हैं हम आगे क्या करना है, फिर आपको भी बताता हूँ। चाहे पंचर वगैरह लगा के हम निकल आए हैं बाइक पे। और आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी की आप देखें, सूरज निकल आया माशाल्लाह। अगर आपको नज़र आ रहा है कि नहीं आ रहा, माशाल्लाह से मुबारक हो जी, 2024 का नया सूरज मुबारक हो। देखते हैं अगर आपको नज़र आ रहा है तो अभी देखें, शायद आपको नज़र आ रहा हो। मुबारक हो जी, मुबारक हो, सूरज निकल आया है। मुबारक जी, आ गई जी धुप, नजर आ रहा है साया भी मेरा धुप बेच आए है। मुबारक जनाब, मुबारक। तेरा जी वहाँ से निकल के हम आ गए हैं, यहाँ पे बाहर निकले हैं फिर खाने पीने के लिए। ये घर चेक करें आप, यहाँ शायद नज़र आ रहा हो, बड़ी पुराना घर ये बना हुआ है यहाँ पे। अभी इसकी तमीर दोबारा ने शुरू करवा दी है, इनका कोई वायर वगैरह था जिस वजह से काम रोका हुआ था, अभी दोबारा यहाँ पे लगे हुए हैं। यहाँ पे डबल रोड बन रहा है और कुछ भी नहीं, ये छोटी सी शॉप है। मेहमान आए हैं उनके लिए हम लेने आए बिस्कुट वगैरह। आप देख रहे होंगे ये घर के आगे ट्रक क्यों खड़ा हुआ है, आपको बताया मैं आया हूँ शादी पे, तो उनका सामान अभी आया है, ये सामान लोड करके भेजना है हमने। वो अंदर सामान वगैरह बाहर निकाल रहे हैं, हम निकाल रहे हैं फिर मिलते हैं आपको। हेलो जी, आपने देख लिया होगा हमारा सामान वो लोड वगैरह हो गया है तो ट्रक में। अभी कुछ सामान रहता है फर्नीचर वगैरह, वो भी पड़ा हुआ शोरूम पे, तो अभी थोड़ी देर बाद फ्री होके जाएंगे, तकरीबन 4:30 बजे हमें मिलना है। हम फिर हम जाएंगे उनके साथ, वहाँ से उनका लोड करवा के सीधा जाएंगे डींगा शहर, वहाँ पे काम है, उसके बाद फ्री होके फिर आएंगे वापस घर। चले जी, गाड़ी से सामान उठवाने के बाद हम चले गए वहाँ पे फर्नीचर वाली शॉप पे, उसके बाद हमने ये आप देख सकते हैं, ये हमारा फर्नीचर था जो आपके लिए बनवाया है, ये सब रेडी हो चुका था। यहाँ से थोड़ा पॉलिश वगैरह कदम का रह गया था वो करवाया, तो अभी ये देख सकते हैं कुछ का थोड़ा थोड़ा रहता था वो साथ साथ अभी कर रहे हैं। तो यह सामान हम दोबारा लोड करवाते हैं, लोड करवाने के बाद फिर निकलते हैं डींगा शहर में। उसके बाद ये देखें चेयर है, अलमारी है, और तकरीबन साथ हमारा शायद ई क्या है, शायद ड्रेसिंग है, शौक है शायद, मुझे उसका नाम नहीं पता है। ये अनलोड करवाने के बाद हम चले गए थे डींगा, पहले आप ये देख लें, एक साथ दराज वगैरह भी हैं और भी कुछ चीज़ें हैं, लेकिन वो मैं इसकी मैंने वीडियो नहीं बनाई। उसके बाद हम चले गए फूलों वाले शॉप पर, वहाँ पे हमने लिए थे फूल वगैरह और गजरे लिए थे। गजरे लेने के बाद हम निकल आए सीधा वापस घर, साथ निकल उस पहले फिर हमें दोबारा याद आया कि हमें गजरों के साथ और भी कुछ चीज़ें लेनी थी, आप अनार लेने थे और भी कुछ चीज़ें लेनी थी, वो हमने लिए। तो लेते लेते फिर क्या, फिर चीज़ें भूल जाते हैं, फिर कॉल आई, फिर चले गए वापस केक लेने। हम उससे पहले हम ये चीज़ें कुछ देखी, हमें पसंद आई, कुछ नहीं है पसंद आई, और ये सामान आपके सामने, मेरे सामने कुछ बहुत सारी चीज़ें ली थी लेकिन हमने यूज़ नहीं की क्योंकि उसका मौका ही नहीं मिला हमें यूज़ करने का।
चले जी, हम लेकर आए थे अनार जो सर्दी की वजह से गीले हो गए थे, तो चल नहीं रहे थे। कोशिश तो बड़ी किया, थोड़ा सा चला था, लेकिन फिर उस टाइम रुक गया। रुकते रुकते हमारा दिमाग ख़राब हुआ था, हमने कुछ फेंक दिए थे एक दो, फिर भी हमारे दिल में कुछ है थी, हो सकता है ये चल जाए, लेकिन नहीं चले। फिर भी कोशिश बहुत की, लेकिन फिर भी नहीं चले। बाकी दो रह गए थे, उनको हमने फिर बार बार ट्राई की, लेकिन वो भी नहीं चला। फिर एक और हमने निकाला तो वो देखा, तो उसका दिल आया था तो मैं चलूँ, लेकिन वो भी नहीं चला। गुस्सा आया तो मैं उठा फेंका बाहर, फिर बोला चले। तेरा जी कटिंग वगैरह कराने के बाद हम निकल आए हैं वापस, अब जा रहे हैं घर। घर जाके मिलते हैं, भूख लगी थी, हम ले आइसक्रीम, अभी हम ये खाते हैं, खाते खाते चलते हैं घर, फिर मिलते हैं। चला जी, सर्दी में आइसक्रीम खाने के बाद हम सबसे पहले लिया दूध, दूध लेने के बाद हम आगे घर, खुद ही चाय बनाई अपने लिए और दो कप दो तीन कप बनाए, फिर पी, फिर हम सो गए। सोना तो आपको पता है शादी वाले दिन होता नहीं है, तो फिर हमने मजे किए। शराबी क्या शराबी जो नशे में ना रहे। तेरा जी घर से फ्री वगैरह होके हम आ गए हैं सीधा मार्केट में, देख सकते हैं आगे और देखा होगा गाड़ी में ट्रैवल। पहले एक चक्कर गया था, घर वाला छोड़ के गया, फिर दोबारा सात रात भी थी एक, उसके बाद अभी दोबारा हम एक लेकर आया पेंसिल। पेंसिल लेने के बाद चलते हैं मार्केट में, फिर मिलते हैं आपको। चला जी, बारात एंटर हो चुकी है। मेरा ना को क्या बताऊँ, मेरा व्लॉग थोड़ा सा होगा डिलीट और रिकवर भी नहीं हुआ, जिस वजह से मैं फिर ये क्लिप खाली क्लिप ही लगा रहा हूँ, बाकी फिर आप देख सकते हैं।
چلے جی، نکاح ہونے کے بعد اسی ٹائم سے پہلے ہم نے کھانا کھلایا اپنے سارے مہمانوں کو، آپ دیکھ سکتے ہیں سب مہمان ہمارے جو ہے کھانا کھا رہے ہیں۔ ان کو کھانا کھلانے کے بعد پھر ہم نے خود کھانا کھایا اور عورتوں کو، عورتوں نے بھی کھایا۔ سر کدھر گیا؟ چلا جی، وہاں سے فری ہو کے ہم نکل آئے تھے واپس گھر کو، مطلب پھوپھا کے گھر واپس جانا تھا۔ تو راستے میں یاد ہے پاپا کی برتھ ڈے، تو ان کے سرپرائز کے لیے سب سے پہلے لیا کیک، پھر باقی آپ دیکھ لیں۔ Oh, my God.